तंत्र शास्त्र में 6 प्रकार के पुरुष होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, आज के वीडियो में इसी पर प्रकाश डाल रही हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। शरीर लक्षण विज्ञान विशद साहित्य है और उसमें स्त्री और पुरुषों के कुछ कारकत्व नैसर्गिक गुणों की चर्चा हुई है। इस वीडियो में पुरुषों के प्रकार आपको बताने वाली हूँ कि कितने पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषता होती है और वो कितने माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं पुरुषों के बारे में वीडियो कम बनाती हूँ, तो उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो आइए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं आज के वीडियो में जानेंगे। तो आप इस चैनल यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुरुष का पहला प्रकार होता है शशक। शशक नामक पुरुष की ये विशेषता होती है कि वो मानसिक संतुष्टि को अधिक महत्व देता है बजाय शारीरिक संतुष्टि के। उसको इस क्रिया में मजा आता है जब मानसिक संतुष्टि भी उसको प्राप्त हो। आइए अब दूसरे पुरुष के बारे में जानते हैं। दूसरे प्रकार के पुरुष को मृग की संज्ञा दी है, यानी मृग वाला जो पुरुष होता है, मृग के कारकत्व वाला जो पुरुष होता है, उसकी नैसर्गिक विशेषताओं में उसको स्त्री का आकर्षण प्रमुख होता है। उसको सुंदरता की चाहना होती है, अच्छा खाना, श्रृंगार करना, सौंदर्य करना उसके प्रिय आचरण होते हैं। आइए अगले पुरुष के बारे में जानते हैं। तीसरे प्रकार का जो पुरुष होता है उसको वृषभ की संज्ञा दी है और इस प्रकार का पुरुष बहुत सारे मित्रों वाला होता है। उसके मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे पुरुष बहु स्त्री गामी होते हैं। आइए अब अगले पुरुष के बारे में आपको बताते हैं। चौथे प्रकार का पुरुष अश्व की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का पुरुष किसी की भी नहीं सुनता है, कर्कश स्वभाव उसका होता है। वो बहुत कठोर और क्रूर प्रकृति वाला होता है। आइए अब अगले पुरुष के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिस पुरुष के बारे में उसको सिंह की संज्ञा दी गई है। ऐसा पुरुष साहसी होता है, पराक्रमी होता है, न्यायप्रिय होता है, प्राय अकेला ही रहना पसंद करता है। उसके मित्र भी बहुत कम होते हैं। आइए अब अगले पुरुष के बारे में जानते हैं। अगला पुरुष मार्जार की श्रेणी में आता है, अर्थात बिल्ला। बिल्ले का स्वभाव कैसा होता है आइए जानते हैं। इस प्रकार के पुरुष हिंसक होते हैं और चमकीली आँखों वाले होते हैं। इसमें कामुक भाव बहुत कम होता है, लेकिन जब जगता है तब हिंसक रूप धारण कर लेता है। तो आज हमने आपको बताए 6 प्रकार के पुरुषों के बारे में, जिनकी संज्ञा किस तरह से दी गई है और उनका व्यवहार कैसा होता है, इसका बेसिक और सामान्य ही परिचय दिया है हमने। अगर आप विशिष्ट और विशेष परिचय इंडिविजुअल पुरुष का चाहते हैं तो हम सेपरेटली उस पर वीडियो बनाकर आपको ज्ञानार्जन दे सकते हैं। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। स्त्रियों पर भी शीघ्र ही वीडियो बना रही हूँ। स्त्री जातक किस श्रेणी में आता है और उनको किस नाम से संज्ञा दी गई है, इसको भी आप जल्दी ही देख पाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे मेरी द्वारा निर्मित वीडियो आपको अनवरत रूप से प्राप्त हो सके। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आती होगी और आपका मार्गदर्शन भी करती होगी। अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रहे हैं। नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 1100 रुपये मात्र आपको फीस देनी होगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीस जमा तो करा देते हैं लेकिन रसीद को मेंशन नहीं करते हैं, तो रसीद अवश्य मेंशन करिए। और सवाल पूछना ही भूल जाते हैं कुछ लोग, तो क्वेश्चन अवश्य करिए, क्लियर क्वेश्चन करिए, तभी हम आपको जवाब दे पाएंगे। आपको कुंडली देने के लिए कुछ लोग कहते हैं कुंडली कैसे भिजवाएँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि कुंडली आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बना के भी नहीं भेजेंगे क्योंकि कुंडली निर्माण हम नहीं करते हैं, तो हम आपको निर्माण करके नहीं देंगे। आप जो सवाल हमसे पूछते हैं इस ऑफ़र के तहत भी आपको वही जवाब दिया जाएगा, जो आप सवाल करते हैं उसका ही आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपकी जन्म कुंडली बन जाती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी बर्थ डिटेल नहीं है, तो पाम प्रिंट भेजकर
हैंड एनालिसिस भी आप करा सकते हैं, आप हमसे फोटो एनालिसिस भी करा सकते हैं। आप तीनों ही सुविधाएं चाहते हैं तो 3,300 रुपये हमारे अकाउंट में आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है। और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जिनका आधार ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु ही होना चाहिए। हालांकि जो मैंने अभी आज का वीडियो बनाया है ये ज्योतिष का ही एक पार्ट है, और ज्योतिष में शरीर लक्षण विज्ञान के आधार पर स्त्री पुरुष की संज्ञा दी गई है, उसी का आधार लेके मैंने आज का वीडियो बनाया है, किसी अन्य आधार से नहीं बनाया है और किसी अन्य के रूप में आपको इसको लेना भी नहीं चाहिए। एक ये ज्योतिष शास्त्र के शरीर लक्षण विज्ञान का ही एक हिस्सा है जिसपे बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।